कब होगी यूपी पुलिस परीक्षा, कब होगी यूपी पुलिस परीक्षा, सभी के दिमाग में एक सवाल, री एग्जाम कब। कभी बताया जाता है कि जून में है, कभी बताया जाता है कि जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, ऐसे ही एग्जाम की जो डेट है वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन एक जो पक्की इंफॉर्मेशन होती है, भाई आपका जो एग्जाम है इस महीने में कंडक्ट कराया जाएगा, इस डेट को कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसी पक्की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, इसके साथ में जो यूपी के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जिले हैं, यानी 24 जिले से भी ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं, प्लस अदर स्टेट भी इस समय बाढ़ से जूझ रहा है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उत्तर प्रदेश पुलिस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने भी आवेदन के समय 400 रुपए देकर इसमें आवेदन डाला था। तो भाई सरकार ने फिर यही सोचा है, जहां तक अनुमान है उसके अनुसार बताते हैं, सरकार ने यही सोचा है कि कुछ समय और वेट किया जाए, बाढ़ का जो स्तर है वो कम हो जाएगा, जैसे ही बाढ़ का स्तर कम हो जाएगा वैसे ही इस एग्जाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया जाएगा, है ना। तो अनुमान लगाया जा रहा है कांवड़ यात्रा और बाढ़ का जो स्तर है उसे कम होने के साथ ही एग्जाम की डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, और इसका खुलासा न्यूज़पेपर में भी हो चुका है। और कल मैंने एक सोशल साइट की आप लोगों को हेडलाइन दिखाई थी, और शायद ये कटिंग आप लोगों ने पहले भी देख ली होगी, जिसमें बताया गया है कि कांवड़ यात्रा के बाद ही सिपाही भर्ती परीक्षा के आसार हैं। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो सिपाही भर्ती परीक्षा के बाढ़ और कांवड़ यात्रा इसके बाद के हैं। लिखित परीक्षा आयोजित करने में हो सकती है 1 माह की और देरी, कांवड़ यात्रा में बाढ़ बनी वजह, हालात सामान्य होने का इंतजार, है ना। शायद जो प्रक्रिया है, जो कंपनी वगैरह की ये सारी प्रक्रिया पेपर वगैरह की ये पूरी कर चुके हैं, तो इसका मतलब लास्ट में जो बोला है कि हालात सामान्य होने का इंतजार है, तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग तैयारी कर चुके हैं आपके एग्जाम की, बस ये एक सटीक और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे स्थिति सामान्य हो जाएगी आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। 60,244 पद हैं, लगभग 48 लाख से ज्यादा इसमें आवेदन करने वाले हैं। बाढ़ और कांवड़ यात्रा लगातार इसकी राह में जो अटकल है वो बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद ही इस परीक्षा को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है, सितंबर तक करना पड़ सकता है, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। इससे पहले भी एग्जाम कराया जा सकता है, खुद बोला है सितंबर तक इंतजार, और उससे पहले अगर स्थिति सामान्य हुई तो बिल्कुल ये एग्जाम कराया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल बनता है, ठीक है ना। फरवरी माह में पेपर हुआ था 17 व 18 फरवरी को, और लगभग बताया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 24 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात होने की वजह से इस परीक्षा में देरी हो सकती है। और आपको बताया अब की बार शायद 4 कंपनियां कराएं, या हो सकता है इस पेपर को पहले की तरह ही करा लिया जाए, एक पेपर है, 2 पेपर पे ही, है ना, इसमें 4 कंपनियां नहीं लाई जाएं, ये भी हो सकता है, इसके बाद में जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें ही रूल फॉलो हो, ये सारी संभावनाएं बनती हैं। और ये शायद शासन स्तर पर क्लियर हो जाए कि भाई आप लोग अपने एग्जाम किस स्तर से तैयारी करिए। दूसरी चीज ये बोला गया है कि पहले एक प्रारंभिक पेपर, फिर एक मैन पेपर, इसे लेकर भी आगे मतलब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि पहले 2 पेपर होने वाले हैं, फिजिकल होने वाला है, क्या होने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को, ये जो 60,244 पदों की भर्ती है, ये पहले की तरह ही होने वाली है, पहले की तरह ही ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है एक से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम हो, लेकिन प्रक्रिया में मैन पेपर और प्री पेपर ये बिल्कुल नहीं होगा, शायद जहां तक मुझे लगता है इससे आगे ये रूल फॉलो हो सकता है मेरी, ठीक है भैया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।